कोलकाता सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ साक्षी सोने। इस वक्त तस्वीरें दिखा देती हूँ, कहाँ खड़ी हूँ, डाबरा चौक के ऊपर खड़ी हूँ और अभी जो है एक भयानक एक्सीडेंट यहाँ पर होते होते बचा है। हालांकि एक गाड़ी वाले की इसके अंदर एक टैंकर इसको कह सकते हैं इसके अंदर टक्कर हो चुकी है। हालात दिखाना चाहूंगी आपको, हालात देखिए कैसे हो गए हैं। H4 3 9 B 5 5 1 6 जो इसका नंबर है और लगातार ये देखिए हालात मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे हो गए। गाड़ी के हालात एक बार दिखाना चाहूंगी कि इसके अंदर यहाँ पर आकर के भिड़ा है वो टैंकर, उसके बाद ये सारी की सारी गाड़ी जो है अंदर जा चुकी है। चलिए जा करके पूछ लेते हैं आखिरकार क्या पूरा मामला हुआ है। सर ये गाड़ी आपकी है, अच्छा मुझे ये बताइए क्या मामला हुआ है पूरा। कोई मामला नहीं, हम क्रॉस कर रहे थे रोड को, बस आगे खड़ी थी, मैं खड़ा था रोड पर, आगे जाम था रोड, इसकी गाड़ी का ब्रेक फेल, ये करे ब्रेक फेल हो गया मेरी गाड़ी का, आगे अंदर लगी। चोट तो नहीं लगी आपको? चोट तो नहीं लगी, गाड़ी गाड़ी मैं बाई चांस बचाव हो गया, चोट नहीं। आप और आपके बेटा जा रहे? बेटा अभी ये अभी कोचिंग से आया था, इसको लेके जा रहा था मैं घर। हाँ, इस वजह से हो गया। आप इसके मालिक हैं जो आप चला रहे थे, कौन चला रहा था? ठीक है आगे चल के देखते हैं कहाँ पर है वो। एक बार बुला लीजिए, आखिरकार समझौते की क्या बात चल रही है? समझौते की यही हुई है कि अंकल ने कह दिया जो खर्चा लगेगा ना वो आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। पर कुछ समय पहले लड़ाई भी हो रही थी, कोई लड़ाई तो किसी को नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए क्या हाल हो चुका है इसका, कैंकर का सारा का सारा जो कैंकर है वो आगे से खुल चुका है। हालात जो है सही नहीं लग रहे हैं, लेकिन बात करना चाहेंगे कि अब क्या बात हो रही है इन दोनों के बीच के अंदर। ये देखिए लगातार सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। सर मुझे ये बताइए ये हुआ कैसे एक्सीडेंट? ये कह रहे गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। अच्छा, ये ड्राइवर कह रहा है जो वो खड़ा, अच्छा। वो कह रहा है कि मेरा गाड़ी का ऊपर से आने लगा, मेरा ब्रेक फेल हो गई। अच्छा, आगे खड़ी थी बस में लगी है, एक स्कूल बस में लगी रहेगी, इसमें लगी, दोनों को लगी आगे। अच्छा, फिर स्कूल बस चली जा चुकी है। उस बात कुछ देर तो खड़ी रही, जो थोड़ी बैठी थी वो अपना बच्चों को छोड़ने के लिए ले गया। अच्छा ठीक है, अभी कुछ समय पहले जो है यहाँ पर बहुत बड़ा जाम लग गया था, क्योंकि जैसे ही ये कैंकर यहाँ से आया टक्कर मारी बस के अंदर, कार के अंदर, तो बस यहाँ पर आकर के खड़ी। ये देखिए कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी दिख रही है। जाकड़ का भाई हूँ, समझ गया जी, समझ गया। लाजपत नगर में रह रहा हूँ, मैं जानता हूँ। पैसे जमा करवा दे, किसी में करा दे, मैंने फालतू कौन थी, मेरा काम सही हो जाना। हाँ वही क्या रहा, मिस्त्री बुला खर्चा बता दीजिए हमको, मिस्त्री बुला के बता, तुम पैसे जमा करा दुकान में, मैं जो ला के बता देगा। कैंटर के मालिक कौन है? कैंटर के मालिक कौन है? ये कैंटर के मालिक नहीं, कैंटर के मालिक कौन है? ड्राइवर कौन है यहाँ के? सर आपने देखा था ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था? अच्छा आवाज आई थी, तो बाहर आई थी। अच्छा यही आसपास रहते हैं, आपने देखा था सर? नहीं सी, ठीक है। अच्छा गलती किसकी है इसमें? गलती तो क्या पता, जब आया था तो लगे पड़े थे तो सारे आपस में। अच्छा ठीक है, आपस में लड़ाई कर रहे थे तो कैंटर साइड में लगवाए इन्होंने, कैंटर साइड में लगवाए इन्होंने और गाड़ी साइड में लगाई, फिर बात कर रहे हैं मालिक को बुलाया, ये ड्राइवर। चलिए ड्राइवर से एक बार बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये कैसे जो है जो ब्रेक है वो फेल हो गया। ड्राइवर जी मुझे ये बताइए, ठीक है एक बार जो है बात करने के लिए जाया जा रहा है, लेकिन एक बार ये कैंटर की हालत देखिए आप लोग, इतना बड़ा कैंटर, साथ में एक कार के अंदर एक बच्चा और उसके पिता जा रहे थे, अगर उनको कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्योंकि कैंटर यहाँ पर आया है, गाड़ी के अंदर टक्कर होती है, पुलिस यहाँ पर मौजूद रहती है। सर मुझे ये बताइए जब इसकी टक्कर हुई किस तरीके से टक्कर हुई? ये इस साइड से आ रहे थे और वो उस साइड से। अच्छा, तो कह रहे हैं कि ब्रेक नहीं लगा। अच्छा, तो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे, इतने में ध्यान पड़ा, फिर हम आ गए थे। तो पुलिस ने भी इसका जायजा ले लिया। हालांकि अब स्थिति की बात की जाए तो डाबरा चौक के ऊपर कुछ समय के लिए वाहन रोक दिए गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है जाम हो गया था आपस के अंदर, यहाँ पे जो लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही थी कैंटर वाले के अंदर और ये कार चालक के अंदर। आप लोग देख पा रहे हैं कि कार की हालत क्या हो चुकी है, अभी एकदम से इतना बड़ा कैंटर आकर के लगता है। देखिए बातचीत सुनाते हैं आपको क्या हो रही है। मैं सतवीर गीति का जाना हो गया मैम, इसे एक ठीक है। तो ये सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको हिसार की दिखा रही हूँ, डाबरा चौक की तस्वीरें। अभी बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पर, हालांकि जान माल की हानि किसी के साथ नहीं है। ये सीधा ये देखिए जो साइड के अंदर एक शीशा होता है वो भी यहाँ पर निकल चुका है, इसकी तारें यहाँ पर निकल चुकी है और अभी तक ये जो है बिल्कुल गर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
की बात की जाए तो गेट भी जो है थोड़ा सा अंदर जा चुका है, गाड़ी का दरवाजा जो खोल करके हम लोग बैठते हैं। ये देखिए सीधा लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ, अभी जो है आपस में बातचीत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कुछ समय पहले जो है आपस में भिड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। तो ये सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी जो है मामला गर्मा गर्मी पकड़ चुका था, लेकिन अब थोड़े से सॉर्ट आउट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये मामला मैं आपको डाबरा चौक का दिखा रही हूँ। देखिए पुलिस जो है अपना काम कर रही है एक साइड खड़े होकर के, हालांकि पुलिस की तरफ से कोई भी बीच के अंदर नहीं आया है इनको छुड़वाने के लिए। हालांकि कई देर से मेरे पास खबर आती है, जिसने भी मुझे फोन करके बताया, खबर आती है कि इस तरीके से एक्सीडेंट हो गया और यहाँ पर जो है दोनों आपस के अंदर भिड़े हुए हैं। इसी को लेकर के मैं यहाँ पहुंची तो देखा कि जाम लगा हुआ था, लेकिन पुलिस सिर्फ जाम कंट्रोल करने के अंदर लगी हुई थी। हालांकि ये नहीं है जिस मुद्दे की वजह से जाम लगा है उस मुद्दे को भी कंट्रोल किया जाए। अगर डाबरा चौक की बात की जाए तो यहाँ पर आने वाला ट्रैफिक जो है लगभग हजारों की संख्या के अंदर दिन के अंदर लोग यहाँ पर आते हैं। अभी भी देखिए बातचीत यहाँ पर चल रही है, ये सीधा मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ। रेड बत्ती चालू की जाए यहाँ पे, ट्रैफिक तो होगी, ट्रैफिक कैसे कंट्रोल हो गया, गाड़ी क्रॉस करके आ रही है, हल्की सी झंडी डाल दी इसके सामने। देखिए ट्रैफिक लाइट की बात की जाए, मेरे ख्याल से यहाँ पर ट्रैफिक लाइट जलती भी नहीं है। जलेंगी कैसे, जलने नहीं देते मार्केट वाले। अच्छा पहले तो जलती थी शायद ये, चालू तो करी थी मगर तुरंत बंद भी तो करवा दी। किस रीजन की वजह से करवा दी? अब ये रीजन मेरे को पता थोड़ी ना, आप कैसे किस रीजन के लिए आए हो मेरे को पता नहीं है, हिमाचल के। तो ये सीधा मैं आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ हिसार के डाबरा चौक से। यहाँ पर जो रेड लाइट की भी बात की जाए तो रेड लाइट भी यहाँ पर नहीं जल रही है। हालांकि एक सबक हो सकता है, एक सबक बन सकता है ये रेड लाइट भी एक्सीडेंट होने का, क्योंकि हजारों की संख्या के अंदर ट्रैफिक यहाँ से क्रॉस करता है। ये देखिए अभी भी ये बस यहाँ पर खड़ी है, अगर पीछे से कोई छोटा वाहन आता है तो सीधा इसके अंदर जा करके लगता है, क्योंकि पुल के एकदम नीचे आते ही चौक बनाया गया है। चौक से जब भी गुजरते हैं तो यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, लेकिन इतने ज्यादा ट्रैफिक के बावजूद भी यहाँ पर जो है ट्रैफिक लाइट नहीं लगाई गई है। नहीं है, पुलिस वाले पूरे कंट्रोल कर रहे हैं मगर ये टिकने तो नहीं देते इनको। ये जो उतरते हैं गाड़ियों से बड़े बड़े, दिन के दिन को धमकी दे के चले जाते हैं पुलिस वालों को, बताइए ये पढ़े लिखे नहीं है, काम नहीं कर रहे, ये पूरे दिन काम करते हैं अपने। बिल्कुल पुलिस जो है अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर रही है। हालांकि प्रशासन को थोड़ा देखना चाहिए, रेड लाइट यहाँ पर लगी है लेकिन उसके बाद भी रेड लाइट यहाँ पर अपना काम नहीं कर रही है। देखिए यहाँ पे कई बसों का स्टॉपेज भी है, स्टॉपेज होने के कारण भी कई वाहन जो है यहाँ पर रुक जाते हैं। ये सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको हिसार के डाबरा चौक की दिखा रही हूँ। सर लगभग यहाँ पर महीने के अंदर कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं? तो रहते एक्सीडेंट तो क्या मतलब, हजारों गाड़ी गुजरती है तो एक्सीडेंट तो होंगे। जब हजारों की भीड़ में बहुत पड़ेगा आदमी टच तो होगा, मगर लोगों को आदत पड़ गई है पैसे लेने की। इंश्योरेंस जो बीमा चल रहा है ऐसा बिगाड़ दिया ट्रैफिक का माहौल, इन्होंने छुट्टी के पैसे खाते हैं, गाड़ी बिड़ा दी, पैसे ले लिए, क्लेम पास हो गया। ठीक है, ये अभी की तो यही तक की तस्वीरें थी। आखिर में बता देती हूँ कि अभी कोई जान मान की हानि नहीं हुई है, सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि जो भी इसका खर्चा होगा वो कैंटर चालक को देना पड़ेगा, क्योंकि कैंटर चालक की लापरवाही की वजह से इस गाड़ी के जो एक्सीडेंट हुआ है उसके अंदर जो नुकसान हुआ है, खर्चा हुआ है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी बता रहे थे कि मामला शायद सॉर्ट आउट हो चुका है, कैंटर चालक का भी भारी नुकसान मेरे ख्याल से यहाँ हुआ है। सर मुझे ये बताइए कि आपका चैनल देता है, आपका चैनल भी बिकता है हमेशा। सर ये बताइए ठीक करवाने का कितना खर्चा लग जाएगा? ये मेरे को क्या बता, मैं तो मैकेनिक थोड़ी हूँ। लगभग कितना अंदाजा लगा सकते? क्या अरे चैनल खरीदा तस्वीर।